नाउ स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. कोसाइन थीटा हमें कैलकुलेट करना है. फोर हमें एंगल बीटा के लिए कैलकुलेशन करनी है. तो कोसाइन लॉ के ज़रिए कोसाइन बीटा का फार्मूला क्या होता है? कोसाइन बीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन में लिखने में गलती हो गई. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास अपॉन टू ए सी. ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू हमने जैसे कि पेस्ट करी थी. ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी? यहाँ पर ए की वैल्यू स्टूडेंट हमें दी हुई थी. ए कितना था स्टूडेंट? 200 का स्क्वायर. सी की वैल्यू कितनी है? 150 का स्क्वायर. और माइनस बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 100 का स्क्वायर अपॉन टू ए सी. ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी हमारे पास? 200. ए की वैल्यू 200 थी. और स्टूडेंट सी की वैल्यू कितनी थी? 150. सी की वैल्यू 150 थी. कोसाइन बीटा, कोसाइन बीटा स्टूडेंट हमने सबको सॉल्व करा था तो क्या रिजल्ट आया था हमारे पास? 4 बीटा का कोसाइन बीटा का क्या रिजल्ट आया था ओवरऑल? ये स्टूडेंट कोसाइन बीटा का रिजल्ट आया था. ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट नियरेस्ट कैलकुलेटर वैल्यू रखें स्टूडेंट्स. 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 150 7 अपॉन 8. बीटा ऐसी रहा और कॉस उधर जाके कितना हो गया? कॉस इनवर्स 7 अपॉन 8. शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे, शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे. अंदर क्या लिखना है? 7 डिवाइडेड बाय 8. 28 पॉइंट बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 28.9550 डिग्री. इन द सिमिलर, बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. 4 एंगल गामा की, एंगल गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. कोसाइन गामा का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. गामा है तो क्या आ जाएगा? माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab. स्टूडेंट वैल्यूज पेस्ट करें. ए की जगह पे 200 रखना है, 200 बी की जगह पर 100 रखना है. और सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 150 अपॉन 2ab. ए की जगह पर 200 और बी की जगह पर 100. स्टूडेंट से सॉल्व करते हैं. 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 100. ये स्टूडेंट वैल्यू आई 11 अपॉन 16. ये स्टूडेंट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 11 अपॉन 16 कॉस गेमा या गामा जो भी कहने. कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा. कॉस इन्वर्स 11 अपॉन 16. कैलकुलेट करें. शिफ्ट दबा के क्या दबाएं? कॉस इन्वर्स. देखें शिफ्ट दबाएंगे तो, शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे तो इन्वर्स आ जाएगा. शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे तो इन्वर्स आ जाएगा 11 अपॉन 16. ये स्टूडेंट वैल्यू आ गई एंगल गामा की 46.5575 डिग्री. एक समरी बना लेते हैं स्टूडेंट, हम एक समरी बना लेते हैं जो हमारे पास रिजल्ट्स आए. एक समरी बना लेते हैं. एंगल अल्फा कितना आया है? बीटा कितना आया है? गामा कितना है? गामा की वैल्यू कितनी आई है? 46.5575 डिग्री. बीटा की वैल्यू कितनी आई है? एंगल बीटा की वैल्यू क्या आई है? 28.955 डिग्री.
और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एंगल अल्फ़ा कितना आया था 104.475 डिग्री। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। कितनी वैल्यू आई थी, 28.9 नज़र आ जाए आप लोगों को, ताकि वाजा 9.55। ठीक है।